क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इतना दबाव था कि भैया चिराग पासवान को बेइज्जत करो, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को बेइज्जत पहले वो कर चुके हैं। चिराग पासवान को आप कितना तोड़ने की कोशिश कर लें, कितना झुकाने की कोशिश कर लें, बार बार कहता हूँ, शेर का बच्चा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ। आप मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, अफसोस की बात है, कभी नहीं दिखेगी। पुलिस की महिला कर्मी, मेरी महिला मददगार, जो घर में जो इतने समय से जो परिवार के सदस्यों के तौर पर है, उनके साथ धक्का मुक्की कर रही हैं, जो मेरी नानी की देखभाल कर रही हैं, उनके साथ महिला पुलिस आकर बदतमीजी कर रही है। मुझे ये कारण समझ में नहीं आया कि क्यों, जब हम लोग घर खाली करने को तैयार थे तो इस तरीके से घर को खाली करवाने की क्या जरूरत थी, किसके दिशा निर्देश पर? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इतना दबाव था कि भैया चिराग पासवान को बेइज्जत करो, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को बेइज्जत पहले वो कर चुके हैं, कि उनको बेइज्जत करके निकालो? क्या ये चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? भाई कोई दिक्कत नहीं है, मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान की जिम्मेदारी बिहार की 12 करोड़ जनता ने उठा रखी है। जब 12 करोड़ जनता मुझे इज्जत दे रही है आपके फेंकने से या आपके मुझे घर के बाहर फेंकवाने से, चिराग पासवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटाया, मेरे चाचा आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के तौर पर, आज बिहार की 12 करोड़ जनता अपना आशीर्वाद दे रही है। आपने मुझे एक घर से निकाला, लिख के ले लीजिए, बिहार की 12 करोड़ जनता के दिल में आज के बाद चिराग पासवान बसने वाला। चिराग पासवान को आप कितना तोड़ने की कोशिश कर लें, कितना झुकाने की कोशिश कर लें, बार बार कहता हूँ, शेर का बच्चा हूँ, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, ना डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ। आप मेरे चेहरे पे शिकन देखना चाहते हैं, अफसोस की बात है, कभी नहीं दिखेगी।